हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पीएल एसक्यूएल ट्यूटोरियल सीरीज और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएल एसक्यूएल डेटा टाइप्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल नोट्स। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीएल एसक्यूएल डेटा टाइप क्या होता है, पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं, फिर उसके टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम सभी लैंग्वेजेस में डेटा टाइप पढ़ते आ रहे हैं। डेटा टाइप क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल फंक्शंस को क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। देखिए, वेरिएबल तो यूजर डिफाइन होता है, ठीक है, यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, बट वो जो वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं वो वेरिएबल किस टाइप के वैल्यू को डिफाइन करेगा, ठीक है, तो वो उसके लिए हम उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। तो वो वेरिएबल उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब एक डेटा टाइप हमें उस वेरिएबल के थ्रू वैल्यू को स्टोर कराने के लिए एक मेमोरी प्रोवाइड कराता है जिसकी हेल्प से या जिसके थ्रू हम लोग उस वेरिएबल में डेटा को स्टोर करा पाते हैं। ठीक है, देखें तो यहाँ पर ओरेकल डेटाबेस में देखिए डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जो पीएल एसक्यूएल के अंदर यूज किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले होता है कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है, सेकंड है नंबर डेटा टाइप, थर्ड है बुलियन डेटा टाइप, फोर्थ है डेट डेटा टाइप और फिफ्थ है लॉब LOB डेटा टाइप। ठीक है, ये सारे डेटा टाइप्स हैं जो कि पीएल एसक्यूएल के थ्रू ओरेकल के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये मेन डेटा टाइप है कैरेक्टर डेटा टाइप, तो इसे हम लोग कई डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको मतलब कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग स्टोर करना होगा तो उसके लिए आप कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई नंबर स्टोर करना है, मतलब वो इंटीजर नंबर हो या फ्लोटिंग नंबर हो, तो उसे स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग नंबर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अगर हमें बुलियन वैल्यू क्या होता है, लॉजिकल वैल्यू, ट्रू और फॉल्स, तो ऐसे यस नो ट्रू फॉल्स वाले लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पर बुलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डेट डेटा टाइप, जैसे कि अगर आपको प्रोग्राम में डेट स्टोर करना है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट में अगर आपको डेट स्टोर करना है तो उसके लिए आप डेट डेटा टाइप यूज करते हैं। और नेक्स्ट है LOB डेटा टाइप, मतलब अगर आपको यहाँ पर लार्ज फाइल जैसे इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ऐसे बड़े साइज वाले फाइल डेटा को स्टोर करना होता है तो इसके लिए हम लोग LOB डेटा टाइप का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इन डेटा टाइप्स के अंदर कौन कौन से सब डेटा टाइप्स होता है जिसकी हेल्प से हम लोग कैसे वैल्यूज को स्टोर कर पाते हैं और उनके सिंटैक्स को भी समझेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है, जैसे कि कैरेक्टर हम जानते हैं कैरेक्टर क्या होता है, जो सिंगल अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, AB, A to Z, ये सारे क्या हमारे कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट है CHAR, ठीक है, कैरेक्टर को शॉर्ट में लिखा हुआ है CHAR डेटा टाइप, जो कि फिक्स्ड स्ट्रिंग साइज होता है, मतलब जब हम लोग किसी वेरिएबल को कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर करते हैं तो वहां पर हम उसके एक फिक्स्ड साइज दे देते हैं। ठीक है, उसी फिक्स्ड साइज में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रेड CHAR, ठीक है, तो यहाँ ग्रेड नाम का वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर टाइप का है। वैसे नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैनेजर नाम का एक वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर है, जिसका फिक्स्ड साइज की तरह दे दे रहे हैं 10, जिसमें जो भी स्ट्रिंग चाहे वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। फिक्स्ड लेंथ मतलब डिफाइन कर दिए हैं इस वेरिएबल का, जिसके अंदर हम उतने लेंथ तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है सेकंड जो फॉर्म है वो है varchar2 डेटा टाइप, ठीक है, varchar2 ये डेटा टाइप, ये क्या होता है, देखिए वेरिएबल स्ट्रिंग साइज, मतलब यहाँ पर वेरिएबल का हम लोग एक सेम वैसे ही होता है, यहाँ पर भी वेरिएबल के साथ उसका एक स्ट्रिंग साइज देते हैं। ठीक है, कि हमें जो वैल्यू कितने साइज तक के वैल्यू को उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, उतने साइज तक के डेटा को हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। क्रिएट करने का तरीका सेम है, देखिए पहले वेरिएबल देन डेटा टाइप, जो भी आप साइज देना चाहते हैं, फिर देन कोलन देन इक्वल टू, उसके बाद जो भी वैल्यू होगा सिंगल कोट्स के अंदर आपको देना है, तो ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही होता है varchar डेटा टाइप, तो varchar डेटा टाइप में वही चीज होता है, यहाँ पर भी आप वेरिएबल का नाम देन डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, साथ में उस डेटा टाइप का साइज भी बताते हैं कि आपको कितने लेंथ तक के डेटा को आपको स्टोर करना है, उस बेसिस पे आप उसमें वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है NCHAR मतलब नेटिव फिक्स्ड स्ट्रिंग साइज होता है, जिसमें आप किसी भी वेरिएबल के साइज को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नेटिव नाम का एक वेरिएबल है,
इसमें एन सी एच ए आर और साइज कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि देखिए एक और ये फॉर्म दिया हुआ है वैसे लॉन्ग लॉन्ग रॉ, सब ये सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये सब स्ट्रिंग के ही सब डेटा टाइप्स हैं जिसका यूज़ करके हम लोग डिफरेंट टाइप से वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखिए नंबर डेटा टाइप है, अगर आपको नंबर न्यूमेरिक टाइप के कुछ वैल्यूज को इनपुट कराना है तो उसके लिए नंबर डेटा टाइप होता है। इससे देखिए इसके भी कई डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि देखिए एक डेटा टाइप है डेसिमल, ठीक है। डेसिमल मतलब अगर आपको कोई फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करना है तो कितना वैल्यू स्टोर करना है, डेसिमल पॉइंट कितना स्टोर करना है, ये सब चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एक फ्लोटिंग वैल्यू के लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं, इंटीजर वैल्यू के लिए इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करते हैं, रियल वैल्यू के लिए रियल डेटा टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं जो कि न्यूमेरिक टाइप के वैल्यूज़ को प्रोग्राम में स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, देखिए जैसे ए नाम का वेरिएबल है जो कि नंबर टाइप का है, ठीक है, नंबर डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ 8.2 मतलब 8 इंटीजर नंबर पॉइंट दशमलव के बाद दो नंबर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। वैसे ही यहाँ लिखा है 8 नंबर 8 मतलब यहाँ पर इसका साइज दे दिए हैं 8 मतलब 8 तक के नंबर्स को हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं, इसका फिक्स्ड साइज कितना हो गया 8। वैसे ही सी नंबर एक वेरिएबल है जो कि नंबर टाइप का है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही देखिए नेक्स्ट है बुलियन डेटा टाइप, अगर आपको लॉजिकल वैल्यू स्टोर करना है जैसे कि ट्रू फॉल्स इस टाइप के लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए बुलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। देखिए इसको भी डिक्लेयर करने का तरीका सेम है, पहले आप वेरिएबल का नाम देन डेटा टाइप लिखा जाता है देन सेमी कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी या तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी या तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। वैसे ही नेक्स्ट है डेट डेटा टाइप, जैसे कि अगर आपको कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको डेट स्टोर करना है या सिस्टम डेट को स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग डेट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। वैसे देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है न्यू ईयर नाम का एक वेरिएबल बनाया है जहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं डेट, और यहाँ पर कोई भी एक डेट सप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। वैसे ही देखिए करंट डेट नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें डेट इक्वल टू सिस डेट मतलब सिस्टम जो भी डेट होगा वो जा करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर डेट डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं। वैसे अगर आपको डेट को स्टोर करना होता है तो डेट डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एल ओ बी डेटा टाइप, तो एल ओ बी डेटा टाइप का यूज़ देखिए यहाँ जैसे बताया हुआ है लार्ज ब्लॉक ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक इमेज मल्टीमीडिया फाइल एक्सेट्रा, इस टाइप के बड़े साइज के डेटा को स्टोर करने के लिए हम एल ओ बी डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो इसके भी कई डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जैसे कि बी एल ओ बी सी एल ओ बी एन सी एल ओ बी बी एफ बी फाइल, तो ये इसके सब डेटा टाइप्स हैं तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इसका साइज बताया गया है कि जो बी एल ओ बी है इसका यूज हम लोग लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट्स टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, इसमें हम लोग मैक्सिमम 8 से लेकर के 128 टीबी तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए देखिए सिंटैक्स बताया हुआ है कैसे यूज करना है, पहले जो भी बाइनरी डेटा कहने का मतलब यहाँ पर हमारा वेरिएबल होगा देन ये डेटा टाइप बी एल ओ बी, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे। वैसे नेक्स्ट है सी एल ओ बी एन सी एल ओ बी, ये भी डेटा टाइप है जिसका भी यूज हम लोग लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, ये भी 8 से लेकर के 128 टीबी तक के डेटा को स्टोर कर सकता है। वैसे नेक्स्ट है बी फाइल, ठीक है, तो ये भी तो बड़े डेटा को डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है, इसमें हम लोग मैक्सिमम 4 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये सारे डेटा टाइप्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग पी एल एस क्यू एल के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इन वेरिएबल्स में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट टास्क को प्रोग्राम में परफॉर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये डेटा टाइप्स हैं, आगे चल के मैं आपको इन डेटा टाइप्स का यूज़ करके प्रोग्राम को भी डेवलप करना बताऊँगा। सो फ्रेंड्स आज हम लोग केवल पी एल एस क्यू एल के जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं इनके बारे में डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इनके और भी प्रोग्राम्स और इन यूजफुल ट्रिक्स और टिप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर आपने हमारे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल नोट्स को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।